बाप था वो आज से 10 साल पहले आसमानी बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और पिछले साल जो उसका चाचा था वो भी गुजर गया। तो ये आप देख सकते हैं कि घर का अकेला कमाने वाला था। उसके 3 बच्चे हैं, इसकी बीवी है, इसकी माँ है और एक आपाइश बहन है और एक छोटा भाई है जो भी सेकंड ईयर में पढ़ता है। तो ये एक अकेला कमाने वाला था घर में, लेकिन आज इन दरिंदों ने उसको भी छीन लिया, इस घर को बेबस कर दिया, बेसारा बना दिया। हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम डीसी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तब तक हम लाश को नहीं दफनाएंगे जब तक न पूरी हम मजदूरी के लिए जाते हैं, हम अपने बाल बच्चे पालते हैं, जब हम बाहर जाते हैं कोई वहाँ से आता है हम उनको यहाँ बड़ी प्यार से बड़ी हम उनको देते हैं, उनको बिठाते हैं, घरों में बिठाते हैं, रोटी खिलाते हैं, सब कुछ उनको बोलते हैं कि हम अगर किसी के पास कोई खर्चा नहीं है हम उनको दे दीजिए। तो जब हमारे साथ क्यों हो रहा है ये कश्मीर, क्या मसला है? क्या वहाँ की पुलिस कमजोर है? क्या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है जो इन चोरों इन लफंगों इन लुटेरों को नहीं दे जाते हैं? जब किसी को कोई सजा लगे उसकी अकल फिर ठिकाने पर आती है। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी कपारा से डीसी खासकर डीसी फिरोजपुर से मैंने अभी उसको फोन कराया, डीसी फिरोजपुर से अभी मैंने उसको फोन कराया है किसी बंदे से कि वो यहाँ एक नौजवान की डेथ हो गई, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसको खेत में फेंका गया। क्या ये इंसाफ है? क्या ये वहाँ उन्होंने दरिंदे पाले हैं जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं? क्या वहाँ की पुलिस नहीं है? क्या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो इन दरिंदों को पाल रहे हैं? हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन डीसी फिरोज खासकर डीसी फिरोजपुर से एसपी फिरोजपुर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जल्द अज जल्द उन दरिंदों को पीछे धकेल दिया जाए। एज अ काउंसलर सिविल हॉस्पिटल पर है कि मैं रह नहीं पाए, असी दौड़ के भज के बेचारियों के नाल आए हैं, जिस हिसाब से इन्हों के अखों च आंसू आ रहे थे, रो रहे थे कि जाना कि असी परिवार छड़ के आए हैं रोजी रोटी कमाने वास्ते और साड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं है इत्थे बस इस। पर कम से कम पुलिस वालों को इन्हों का साथ देना चाहिए, जो भी इन्हों का है इंक्वायरी प्रोपर तरीके करनी चाहिए है, सरकार को भी साथ देना चाहिए कि एक गरीब बंदे बारे सोचना चाहिए कि किस तरह वो औखा होकर अपनी रोजी रोटी बेचारा कमान आया तो जान तो हाथ धो पे।